तो आ गए आप लोग। तो दोस्तों आराम से दिल थाम के बैठ जाओ कि आज ये वीडियो है ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक देखना है आपको, वरना ये स्पेशल का मजा जो है ना किरकिरा हो जाएगा दोस्तों। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैसे आप लोग मस्त एक क्लिक में, एक मिनट लगेगा सिर्फ, एक मिनट में एक फोटो को एक 3D मॉडल में चेंज कर सकते हो। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन दबा के। मेरे चैनल पे देखा है कि 96 से 97% लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं पर चले जाते हैं। क्या यार भाई, आते हो वीडियो देखते हो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो ना यार चैनल को, पैसे नहीं लग रहे प्लीज, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भाई लोग प्लीज। और मतलब लाइक करना है इस वीडियो को, किसी भी हालत में लाइक करना है, लाइक का टारगेट है मेरा, लाइक अच्छे से होगा तो वीडियो आगे बढ़ेगा। तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है इस वीडियो को, और कुछ भी क्वेरी होते हैं पूरे वीडियोस में कमेंट करके बस पूछो ना यार, मैं जवाब दूंगा ना, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हैं मिस रश्मिका मंडाना। हाँ दोस्तों, तो मैंने इनका फोटो डाउनलोड कर लिया है गूगल से, अच्छा काम किया है ना। आपको पता है ये कौन है? ये है नेशनल क्रश। अरे नहीं पता नेशनल क्रश के बारे में, आपको मैं गूगल पे दिखाता हूँ। गूगल डिक्लेयर्स रश्मिका मंडाना एज ए नेशनल क्रश ऑफ इंडिया, ये न्यूज पढ़ लेना आप, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो मैंने रश्मिका मंडाना के दो फोटोज को डाउनलोड किए हैं गूगल से, एक ये फोटो और एक ये फोटो है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा छोटा फोटो है तो थोड़ा सा फट रहा है स्क्रीन, और दूसरा फोटो जो मैंने अभी आपको बताया है। तो दोस्तों हम इसी फोटोज को यूज करके बनाने वाले हैं इन फोटो से इनके मॉडल को। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर के बारे में तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता ही दूंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये काम कैसे करता है और क्या आउटपुट देता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक टेम्पलेट फॉर्मेट है, चूज वन ऑफ द सैंपल्स। तो इस टाइप से सैंपल्स बना रहा है, ये सैंपल हैं जो आप यूज कर सकते हो। और अगर इसको यूज नहीं करना है तो आप यहां से अपना खुद का नीचे से टेक अ सेल्फी, ब्राउज एन इमेज और एंटर इमेज URL दबा सकते हो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहां पे आपके दूसरी तरफ जो दिख रहा होगा आपको जेंडर में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको मेल का बनाना है या फीमेल का, जैसे कि अभी मैं फीमेल का बनाने वाला हूं। और बाकी उनका आपको अगर हाइट वेट और ये चेस्ट साइड वेस्ट साइड एंड हिप्स ये सब देना है, और ये सब पता है कब काम आएगा? जब आप फुल बॉडी का बनाओगे। लेकिन एक चीज है फुल बॉडी में दोस्तों कि अभी जो ना डेवलपिंग मोड में ही है तो इसको बना के हम डाउनलोड नहीं कर सकते। तो इस सबसे लास्ट में मैं एक फुल बॉडी का भी मॉडल बना के दिखाऊंगा, लेकिन अभी हम दो हेड्स के हमारे उसके बगल में दो हेड्स पड़े हुए हैं 1.2 और 2.0। तो ये हम हेड्स जो है ना 1.2 पहले बनाएंगे और 2.0 उसके बाद बनाएंगे और देखेंगे कि कैसा मॉडल बनता है। दोस्तों हमें वो इमेज को ब्राउज कर लेते हैं यहाँ पे ब्राउज एन इमेज से। तो दोस्तों जो हमने डाउनलोड किए थे फोटोज उसमें से एक फोटो उठा लेते हैं, तो मैं ये फोटो उठाता हूँ और यहाँ लगा दिया। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि वहां पे अभी इस बंदे के फोटो के बजाय इस मैडम का फोटो है। अब इसको बस कुछ नहीं करना है, जनरेट अवतार पे क्लिक करना है। ये थोड़ा सा दोस्तों प्रोसेसिंग करेगा, बहुत चीजें बनाएगा इसमें, बहुत चीजें अपलोड करेगा और उसके बाद फाइनली आपको फेस बना के दे देगा। दोस्तों मैं बता रहा हूं पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा तो एक मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही बढ़िया ये मतलब सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज करके अवतार बना सकते हो, जिसको यूज करके आप मतलब मॉडल बना सकते हो, और सबसे बड़ी बात कि इस मॉडल को आप यूज कर सकते हो अपने ब्लेंडर के अंदर, अपने ब्लेंडर के अंदर एज अ मतलब यू नो गेम के लिए भी और स्कल्पटिंग के लिए भी और जो आपको चाहिए उसके लिए इसको यूज कर सकते हो। तो अभी देखो 100% कंप्लीट हो गया है और ये शो करके पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे शो दबा देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा मॉडल बनके हो गया तैयार। तो रश्मिका जी का मॉडल हमने कर दिया है तैयार। अब दोस्तों इसमें कुछ ऑप्शंस हमारे पास हैं, जैसे कि इनको हम स्माइल करा सकते हैं, देखो स्माइल कर रही हैं। अब अगर थोड़ा सा इधर ये आप लेफ्ट राइट करोगे तो और ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये ब्लिंक कराने का, ब्लिंक क्लिक करोगे देखो आई ब्लिंक हो रहा है। अभी देखो ये आप किस कर रही हैं, चलो ऐसे तो आपको मिलने वाला नहीं, यहीं से सही थोड़ा सा खुशी हो लेते हैं। उसके बाद ये देखो पफ देन नींद आ रही है मैडम को, ठीक है, और थोड़ा सा डरी हुई भी है। तो ये सब आपको ऑप्शंस इसमें मिल रहा है। इसके अलावा मॉडल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जिसमें आपको मिलेगा कि जेंडर क्या है, लाइक फीमेल, एज ग्रुप क्या है, एडल्ट है, प्रिडिक्टेड रेस वाइट है, स्किन कलर, आई कलर और बाकी सारे कलर्स। तो ये मॉडल के, और यहां से आप इस मॉडल को कर सकते हो डाउनलोड, ठीक है। अब डाउनलोड पे दबाते हैं दोस्तों। डाउनलोड पे दबाते ही मेरा डाउनलोड मॉडल तो आ गया, लेकिन आपका डाउनलोड मॉडल नहीं आएगा। सबसे पहले आपको ना साइन इन करना पड़ेगा, क्योंकि साइन इन करने के बाद ही ये जो है डाउनलोड करता है। अच्छा दोस्तों ये मॉडल जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक हम बैक चलते हैं और दूसरा हेड बना के देखते हैं कि वो कैसा हेड है। तो दोस्तों अभी ये हेड पे चलते हैं, लेकिन इस पे आपने ये गौर किया है कि और कोई ऑप्शंस इसमें नहीं है कुछ और करने के लिए, इतना ही था। अभी इस हेड पे चलते हैं, देखते हैं कि इस पे और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो जनरेट अवतार,
वीडियो। तो दोस्तों ये देखो ये मॉडल बन गया हमारा इनका, जिसमें आप देखो सिर्फ गर्दन है, नीचे का पार्ट जो ये सब था ना ये इसमें नहीं है। एक अच्छी चीज है कि इसने बालों को दे दिया है हमको, बट कई बार क्या होता है बाल बाल भी नहीं देते हैं। अब इसमें एक चीज है, आप देखोगे तो आपको मिला, मैं देता हूँ, इसमें हेयर स्टाइल का भी एक ऑप्शन आया है। अब देखो मल्टीपल हेयर स्टाइल है इसमें, तो अगर ठीक से आपका हेयर जनरेट नहीं होता है ना तो आप यहाँ से हेयर स्टाइल ले सकते हो। फीमेल है मेरा वाला तो फीमेल ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लिया, तो ये नया मतलब जनरेटेड करके आ रहा है, ये आ रहा है अभी जनरेट कर रहा है। तो ये देखो ये हमने नया हेयर स्टाइल इनको दे दिया, ठीक है। इस तरीके से इसके कलर वलर चेंज कर सकते हो हेयर स्टाइल के, और बाकी वो प्रोसेस सेम है, स्माइल कराना, फिर उसके बाद ब्लिंक कराना, फिर किसी देना, चलो किसी मिल गया एक और, फिर पफ, देन निन्नी आ रही है मैडम को, एंड फिर डरी हुई है, ये सब सेम है। देखो वो हेयर हटा दिया हमने, इनका जो एक्चुअल वाला था वो सही से जनरेट नहीं किया और हमने यहाँ से दूसरा हेयर ले लिया। तो दोस्तों इस मॉडल को भी हम, और साथ में इसमें भी मॉडल इन्फॉर्मेशन आपको सेम रहेगा, ठीक है, इस मॉडल को भी हम कर लेते हैं डाउनलोड। दोस्तों हमने दो मॉडल डाउनलोड कर लिए, हम चलते हैं अब बैक। तो देखो दोस्तों मैंने ये दूसरा इमेज ले लिया है, अब देखते हैं इस इमेज से कैसा बनता है। तो ये हेड पे चलते हैं इस पे और जस्ट जनरेट अवतार पे करते हैं और वेट करते हैं। टंटना, बाप रे क्या डिट्टो, मतलब देख लो भैया इतना डिट्टो, मतलब इतना बढ़िया। अब देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल भी अंतर नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, है कि नहीं, इतना बढ़िया इमेज का मतलब इन्होंने बनाया है। तो ये मॉडल बन गया और बाकी चीजें तो वही है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, है ना। आंख मार रही है मैडम बाकी मॉडल डिटेल फिर से वही है सब कुछ, कुछ फर्क नहीं है। और इसको भी करते हैं डाउनलोड। अभी डाउनलोड करने के बाद मैं आपको यही मॉडल को ब्लेंडर में दिखाऊंगा चला के, है ना। अब इसका ये वाला फेस नहीं बनाता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया, अब इसका फुल बॉडी का ही बनाता हूँ। लेकिन दोस्तों अब फुल बॉडी से पहले मैं आप लोगों को इसका नाम बता दूं, दोस्तों उस सॉफ्टवेयर का नाम है avatarsdk.com। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे सर्च करना है avatarsdk.com, आपको ये वाला जो है विंडो खुलेगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत चीजें हैं मतलब, लेकिन आपके काम का जो चीज है वो हम ये करेंगे, AI पावर्ड 3D अवतार क्रिएशन। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे फुल बॉडी अवतार भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने लेकिन अभी बताया कि पाइपलाइन में है अभी, ये अभी मतलब डेवलपिंग मोड में है। बाकी देखो दोस्तों रिमोट फेस कैमरा, मतलब आप कहीं हो और आपका अवतार यहाँ पे बोलेगा, तो ऐसे बहुत चीजें ये काम कर रहे हैं। अपन लोग यहाँ पे करेंगे ट्राई WebGL डेमो, ठीक है। WebGL डेमो पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप से खुल के आएगा नया विंडो। उस विंडो में ये देखो दोस्तों ये अभी क्या है, तो वो खुलते ही आपका ये आ जाएगा अवतार SDK डेमो, क्रिएट एन अवतार फ्रॉम अ सिंगल सेल्फी। बाकी पूरी की प्रोसेस आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो आगे बढ़ते हैं फुल बॉडी पे। तो फुल बॉडी के लिए दोस्तों देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी जेंडर सेलेक्ट किया हुआ है, हाइट वेट ये सब ले लिया ऑलरेडी, मतलब मैं बाय डिफॉल्ट रहने देना चाह रहा हूँ, मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और जनरेट अवतार फुल बॉडी पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखते हैं फुल बॉडी पे ये क्या बना के हमको देता है। यार मेरे को लाइक नहीं दिख रहे हैं बढ़े हुए, यार लाइक कर दो यार, लाइक बढ़े हुए नहीं दिख रहे हैं, लाइक करो जल्दी, लाइक करो वीडियो को यार, वीडियो देखो मतलब कितना अच्छा और इम्पोर्टेंट वीडियो हो गया, लाइक तो करो यार इसको। और सब्सक्राइबर काउंट भी नहीं बढ़ रहे हैं यार, क्या कर रहे हो भाई लोग, सब्सक्राइब करो यार, प्लीज सब्सक्राइब करो और सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि अगला वीडियो कोई भी आपको आएगा ना तो मतलब मिलेगा नहीं अगर नोटिफिकेशन नहीं ऑन करोगे, तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लिया करना यार। 96% बंदे मतलब देखते हैं वीडियो और चले जाते हैं, क्या मतलब है यार दोस्तों, प्लीज यार वीडियो देखो, और वीडियो पसंद आए तो यार एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बस इतना ही तो काम करना है, और पूरा फ्री में है सब कुछ। तो दोस्तों अभी देखो आप ये फुल बॉडी का, तो देखो दोस्तों हमारा फुल बॉडी मॉडल आ गई है अपने मतलब फुल फॉर्म में है, और बहुत बढ़िया आउटफिट दिया दोस्तों, है ना, मतलब बहुत बढ़िया मॉडल बनाया इन लोगों ने, पूरा ऊपर से नीचे तक परफेक्ट लग रहा है ना। तो बाकी अगर आप चाहो तो इसमें आउटफिट चेंज कर सकते हो, लेफ्ट राइट क्लिक करके आउटफिट चेंज हो जाएगा। अभी देखो ये लोड हो रहा है और दूसरा आउटफिट आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे जो है उसके जहाँ जनरेटेड लिखा हुआ है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आप लेफ्ट राइट क्लिक करके आप इसके हेयर स्टाइल और ये सब भी चेंज कर सकते हो। वाओ, तो नेक्स्ट आउटफिट दोस्तों ये है, ये भी अच्छा है। तो अच्छे अच्छे आउटफिट्स भी इन्होंने दिए हुए हैं, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमको तीन आउटफिट दिया हुआ है इन्होंने, बीच में क्लिक किया है मैंने तो एक और तीसरा आउटफिट है, और इस तरह से अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये अलग अलग मतलब बाकी और भी स्टाइल्स हैं, बालों के स्टाइल मेनली वो सब है यहाँ पे, तो आप किसी भी स्टाइल को चुन सकते हो, बट मेरे लिए यही ठीक है। तो दोस्तों मेरे को तो ठीक लगा ये, मतलब अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं ब्लेंडर में और ब्लेंड, और हाँ मैंने बोला था कि ये डाउनलोड नहीं कर सकते आप, फुल वाला जो है वर्जन फुल बॉडी वाला है डाउनलोड नहीं कर सकते, तो अभी ये उस डेवलपमेंट मोड में है, तो देखो कुछ टाइम बाद शायद इसका डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाए।
तो दोस्तों तब तक ब्लेंडर में चलते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ ब्लेंडर में, ब्लेंडर 2.92 है मेरे पास। पहली बात तो जहां पे आपके मॉडल्स डाउनलोड हुए ना आपको वो फाइल पता होना चाहिए। तो ये डाउनलोड के अंदर न्यू फोल्डर है, इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं तीनों मॉडल्स। हम तीनों को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये तीनों मॉडल एक्सट्रैक्ट हो गए दोस्तों, एक को खोल के देखते हैं। तो इसमें आपको देखो .obg ये ऑब्जेक्ट फाइल है, ओबीजे फाइल है आपका, तो आपको इसी को उसके अंदर इम्पोर्ट करना है अपने ब्लेंडर के अंदर। तो ब्लेंडर में चल रही है दोस्तों हम, और इसमें चलते हैं फाइल में, फाइल में करते हैं। पहले मैं ना इससे पहले ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हटा दूं ताकि मुझे दिख सके। तो अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और उस पर डिलीट बटन दबा देंगे। अब चलते हैं इंपोर्ट, इंपोर्ट में ओबीजे दिख रहा है आपको, ये रहा ओबीजे, ओबीजे पे क्लिक कीजिए। ओबीजे पे क्लिक करते ही आपको अपने उस फोल्डर में जाना है जहां पे आपने डाउनलोड किया है न्यू फोल्डर। अब यहाँ पे कोई भी मॉडल उठा लीजिए, मैं कोई भी एक लेता हूँ, मैं सारा नहीं खोलूंगा दोस्तों, एक लेके आपको दिखा दूंगा कि क्या हुआ, कैसा हुआ वगैरह वगैरह। अब उसमें आपने एक चीज और किया था दोस्तों कि वहां पे जब हम बना रहे थे वो मॉडल, तो शेप की भी ऐड किया हुआ था, मतलब स्माइल कर रहा था और सब कुछ कर रहा था। अब ये हो गया आपका दोस्तों, अभी उसके बारे में बताता हूँ। फिलहाल आपका मॉडल आ गया, तो अब इसको, ये तो आपका सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम करते हैं यहाँ पे अपना मटेरियल व्यू में। तो मटेरियल व्यू में करते ही दोस्तों ये हमारा मॉडल आ गया हमारे सामने, बिल्कुल परफेक्ट सुंदर सी लग रही है दोस्तों। ये मॉडल हमारा रेडी हो गया है और मतलब बढ़िया है ना, है ना, बहुत बढ़िया है। बस ये एक बताना चाह रहा था मैं जो अभी, कि वहां पे हमने देखा था कि स्माइल कर रही थी, ब्लिंक कर रहा था, आईज किसी वगैरह हो रहा था। तो वो जो हम शेप कीज है ना, मैं ढूंढने की कोशिश की यहाँ पे, तो देखो कोई शेप की यहाँ है नहीं। कहने का मतलब है कि जब ब्लेंडर में आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडल मिल रहा है, उसका शेप की नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आपको शेप की खुद से डालना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो थोड़ा मायूस मैं हुआ यहीं पे, अगर शेप की भी दे देता ना दोस्तों तो मतलब मजा ही आ जाता। अब इसका यूज आप कैसे कर सकते हो, आपको मॉडल मिल गया है, ठीक है, मॉडल मिल गया। आप सिंपल सी बात है दोस्तों कि फर्स्ट काम जो इतना दूर का स्कल्पटिंग का काम है वो अपना आपका हो गया। अब बाकी का काम आप लोग उसके बाद करके कर सकते हो, है ना। तो गेम इंजन में मतलब गेम बनाने के लिए या फिर स्कल्पटिंग वगैरह काम है तो बहुत ही इजिली आप जो है ना ब्लेंडर में करके और आगे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों, तो है ना बढ़िया बात। तो दोस्तों अभी मतलब मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसमें, तो अब ये बताओ दोस्तों कि कौन सा मॉडल आपको अच्छा लगा, जो दो तीन मॉडल मैंने आपको दिखाए थे। और दोस्तों ब्लेंडर में ये फीचर होना चाहिए था कि नहीं, शेप की देना चाहिए था इनको कि नहीं ब्लेंडर के लिए, ये बताओ, ये सब कमेंट करके बताओ मुझे। और दोस्तों और क्या इसमें हो सकता था जो जो मतलब नहीं है। और दोस्तों आप लोग अब इस मॉडल, अगर ऐसे मॉडल बनाओगे तो इस मॉडल से आप लोग क्या करोगे। और दोस्तों आपको, आप लोगों को ये जो हमारी नेशनल क्रश रश्मिका है वो कैसी लगती हैं, जरा ये सब कमेंट करके बताओ दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक करो यार, लाइक 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 ही चाहिए मुझे, बहुत पागल हुआ पड़ा हूं मैं लाइक के पीछे। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को बेल आइकन दबा के, ताकि कोई भी वीडियो इस टाइप का जो मैं बनाऊं तो सबसे पहले आपको मिल जाए और आप देख सको। जल्दी एक नए वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूंगा दोस्तों, तब तक के लिए जो जो मैंने बोला है दोस्तों उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो बाय बाय, एंजॉय, टेक केयर।